बड़ी खबर, जहां भाजपा में बागियों पर नकेल कसने की खबर मिल रही है। पंचायत चुनाव के चलते एक्शन मोड में भाजपा है। चार पदाधिकारियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर यह कार्रवाई की गई है। पहले 40 फिर 90 पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी विवादों में है, जहां उन पर आरोप है कि पक्ष में रहकर विपक्ष के प्रतिनिधि के लिए प्रचार करता उनका एक ऑडियो सामने आया है, जिसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले से सतर्क होकर भाजपा ने छानबीन कर ली है, ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली है जहां पर उन्हें पार्टी से विरोधी हटकर, पार्टी की विचारधारा से हटकर गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। चार पदाधिकारियों को संगठन से बाहर किया है। मामला पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने का। पहले 40 फिर 90 पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। उमेश शर्मा काऊ विवादों में रहे हैं। उनके ऑडियो के बाद से संगठन ने यह तय कर लिया कि किसी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी विनोद कुमार देहरादून से सीधे जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे जानते हैं, जानकारी लेते हैं। विनोद, ये बात तो तय थी, जैसे उमेश शर्मा का जिक्र आया कहीं ना कहीं पार्टी के कान खड़े हो गए और उन्होंने ये ठान ही ली कि भाई पता लगाओ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के विचारधारा से हटकर काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ सकते हैं क्या? जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है और ये बड़ी कार्रवाई भी है भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से, जिसमें अब तक, जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्य में 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है और पहला चरण का मतदान हो भी चुका है। दूसरे चरण की सरगर्मी तेज है। तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो दोनों ही राजनीतिक दलों के जो लोग हैं प्रत्याशी हैं, वो खुद इस पंचायत चुनाव में जीत का दावा भर रहे हैं। लेकिन उससे अलग ये खबर है कि जिस तरह से बागियों के सुर हैं, वो भाजपा प्रदेश संगठन ने उन पर नकेल कसने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तमाम एक्शन मोड पर प्रदेश संगठन दिखाई दे रहा है। और यही वजह कि सबसे पहले अपने ही भाजपा के जो प्रत्याशी जो पार्टी संगठन की ओर से खड़े किए गए हैं, उनके ही विरोध चुनाव लड़ने और साथ ही साथ अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी तमाम जैसे इशू को लेकर वो विवादों में रहे हैं और पार्टी को कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। यही वजह कि सबसे पहले 40 और फिर 90 और फिर उसके बाद में चार पार्टी के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पार्टी संगठन ने बाहर का रास्ता दिखाया, तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया है। मैं आपको बताऊं कि तमाम ये जो ऐसी लिस्ट है ये और भी बढ़ सकती है। भाजपा प्रदेश संगठन तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो पार्टी के विरुद्ध और जन विरोधी थोड़े से तमाम ऐसे इशू और कार्यों पर लगातार विनोद काम कर रही है, तो ऐसे में कार्रवाई करना उनका लाजमी है। और मैं आपको बताऊं कि तमाम ये ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है कि जब भी ऐसे चुनाव होते हैं तो तमाम इतने लोग या बागियों के सुर जरूर उफनते हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए संगठन भी तैयार रहता है। बहरहाल, जिस तरीके से एक विधायक जो यहाँ के रायपुर क्षेत्र के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, और मैं आपको ये भी बताऊं, थोड़ा सा 3 महीने पहले विधायक कुंवर पंथंग सिंह चैंपियन हवाओं में हथियार लहराते हुए देखे गए, उनको पार्टी ने टर्मिनेट कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि उनकी एक आरोप ये था कि वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तराखंड को गाली दे रहे हैं और हथियारों को लहराए हैं। लेकिन इतना जरूर है, पार्टी संगठन के तौर पर उन्होंने पार्टी को गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि ये पंचायत चुनाव हैं। पंचायत चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके लिए सबसे बड़ा दमखम होता है कि वो जीत दर्ज करे। लेकिन इस जो वीडियो वायरल है, इसमें रायपुर क्षेत्र से जो विधायक हैं उमेश शर्मा का, वो खुद अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में ना वोट मांग रहे हैं, विनोद आप तक आवाज पहुंच रही है, उनके पक्ष में ये बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जी विनोद, देखिए ये बात सही कही आपने कि जब कभी भी चुनाव आते हैं ऐसे बागियों के बगावती तेवर बढ़ते हैं, स्वर बढ़ते हैं। लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के भीतर अगर कहीं डेंट होता है तो ये नया नहीं होता है। वो प्रत्याशी जो है वो 5 साल या कितने भी समय से ये उस बात को दबा के रखते हैं कि चलो इसका बदला तो हम चुनाव के समय निकालेंगे। तो क्या ये मान के चले कि संगठन के अंदर छोटे स्तर से सारी चीजें उत्तराखंड में उतनी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इतनी बगावती तेवर, ये पुराना दर्द होता है जो दिखाने का मौका अभी चुनाव के वक्त मिलता है।
जी देखिए, जाहिर सी बात है स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बेसिकली चुनाव होते हैं, तमाम लोग वहां पर तैयारी करते हैं, लेकिन जब संगठन की ओर से एक आदमी को चिन्हित करके टिकट दिया जाता है तो जो दूसरे लोग होते हैं जो लगातार कई वर्षों से कई सालों से वहाँ पर मेहनत करते हैं, वहाँ की जनता से जुड़े होते हैं, विकास के कार्य वो तमाम छोटे छोटे लेकर उनकी जनता की राय सुनते हैं, तमाम उनके कार्य निपटाते हैं, सहयोग करते हैं, तो उनकी भी एक आकांक्षा होती है कि पार्टी संगठन उनको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। लेकिन जब चिन्हित करके पार्टी संगठन एक व्यक्ति को टिकट देता है तो तमाम ऐसा विरोध जाहिर होता है और ये सुर बदल जाते हैं, और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के जो लोग हैं इन चुनाव में देखे जा रहे हैं और पार्टी संगठन तमाम एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और लगातार अब तक सैकड़ों से ज़्यादा पार्टी के पदाधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और इसमें मैं आपको बताऊं, कोई ये पार्टी संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई महासचिव है, तमाम जिला स्तर पर ये सभा पार्टी के पदाधिकारी है। तो लेकिन इतना जरूर है कि इन पंचायत चुनाव में कार्यकर्ता भी अपने आप से उम्मीद लगा के रखते हैं कि जब हम जनता के प्रति इतना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी भी हमें आगे रखे। लेकिन इतना जरूर होता है कि चिन्हित करके एक ही व्यक्ति को टिकट देना होता है और तमाम इतने इश्यू हो जाते हैं कि वो विरोध के रूप में उभरने लगते हैं। और आज यही वजह कि पार्टी संगठन जो भाजपा का है वो पूरी तरह से एक्शन मोड पर है, सैकड़ों से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी देहरादून के भी रायपुर विधानसभा से जो उमेश शर्मा काऊ है उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से वो बिल्कुल अब उनको उनके नोटिस का उनसे हमने कल बात भी की विनोद, और उन्होंने कहा हमें नोटिस ही नहीं मिली। अब देखते हैं कि वो नोटिस मिलती है उसका क्या जवाब देते हैं, क्या उसे सार्वजनिक करते हैं। बहरहाल विनोद, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए जो पंचायत चुनाव से जुड़ी आपने हमसे साझा करी है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।